और अब बात करते हैं सुरेश रैना की। सुरेश रैना का कहना है कि उनका गेम ओवर नहीं हुआ है, वो आईपीएल 2020 में चेन्नई की तरफ से खेल सकते हैं और टीम मालिक एन श्रीनिवासन के साथ उनकी बातचीत भी हुई है और हर चीज ओके है। चेन्नई सुपर किंग्स के दमदार बल्लेबाज सुरेश रैना ने निजी कारणों की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन से हटने का फैसला किया। पिछले हफ्ते रैना यूएई से भारत लौट आए। सुरेश रैना ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके और सीएसके के बीच कोई विवाद नहीं हुआ। रैना ने सीएसके के मालिक एन श्रीनिवासन को लेकर कहा है कि एक बाप अपने बेटे को डांट सकता है। रैना अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता करते हुए भारत लौटे हैं। रैना ने यह भी खुलासा किया है कि वो अभी भी आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल सकते हैं। सुरेश रैना ने भारत लौटने के फैसले को लेकर कहा, ये मेरा निजी फैसला था और मैं अपने परिवार की वजह से वापस आया हूँ। ऐसा कुछ था जिसमें मुझे अपने परिवार के साथ रहना था। सीएसके भी मेरा परिवार है और माही भाई मेरे लिए सब कुछ हैं। ऐसे में एक कठिन फैसला था जो मुझे लेना पड़ा। मेरे और सीएसके के बीच कोई विवाद नहीं है। साथ ही रैना का कहना है कि कोई भी बिना किसी ठोस कारण के 12.5 करोड़ रुपए नहीं छोड़ सकता। रैना ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन रैना का ये कहना है कि अभी भी वो युवा हैं और 4-5 साल और आईपीएल खेल सकते हैं। साथ ही साथ रैना ने एन श्रीनिवासन को लेकर भी सफाई दी है। श्रीनिवासन ने रैना के रवैये पर सवाल उठाए थे। श्रीनिवासन मेरे पिता समान हैं और वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। वो मेरे दिल के काफी करीब हैं। वो मुझे छोटे बेटे की तरह ट्रीट करते हैं और एक बाप अपने बेटे को डांट सकता है। आपको नहीं पता कि मैंने क्यों आईपीएल छोड़ा है। अब उनको पता लग गया है और हमारी बात भी हो गई है। उम्मीद है कि चेन्नई और रैना के बीच विवाद खत्म हो जाएगा और रैना एक बार फिर से पीली जर्सी में खेलते हुए दिखाई